Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. My name is Angelina and if you're new to my channel then please don't forget to like, share and subscribe so that you can get my latest update. So अब बात करते हैं जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन स्टेटमेंट का हम सब वेट कर रहे थे कि क्या स्टेटमेंट आएगा कि हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो अगर आप मेरे चैनल से पहले से कनेक्टेड हैं देन आपको पता है कि अभी तक हम किस बारे में डिस्कस कर रहे थे. लाइक येस्टरडे ओनली आई पोस्टेड अ वीडियो दैट एयर इंडिया कैंसल्ड फ्लाइट. सो एयर कैनेडा तो पहले कैंसिल करी दी थी, फिर एयर इंडिया ने भी कल नोटिस आ गया था. कुछ पैसेंजर्स हैं उनके पास कैंसिलेशन मेल्स आए थे एंड उनको रीशेड्यूलिंग का भी कुछ ऑप्शंस आया है. सो अब हम बात करते हैं सीधे जो हमारा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के अपडेट पे क्या स्टेटमेंट आया है. तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट आप सबके सामने पेज कर देती हूँ अपनी स्क्रीन पे, सो दैट आप एक बार उसे पढ़ लें और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि उस स्क्रीनशॉट पे जो लिखा है उसका क्या मतलब है. It says we are extending travel restrictions on non-essential international travel and with the United States until June 21st, 2021. We will continue to base our decision on the best public health advice available to keep Canadians safe from COVID-19. तो जैसे कि आप सबने वो स्टेटमेंट पढ़ ही लिया होगा तो उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि फॉर ऑल द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारा कनाडा यूएस का बॉर्डर भी क्लोज हो गया था एंड इंक्लूडिंग ऑल द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, तो बॉर्डर क्लोज हो गया है फिर से टिल अंटिल 21st of June 2021. बट इसमें लिखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, नॉन असेंशियल्स जो हैं उनके लिए बैन हुआ है. सो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट कैटेगरी तो में फॉल करता ही है. और मैं अपने सब ऑडियंस से और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ट्विटर पे ट्वीट करके उन पे प्रेशर बनाएं एंड आई एम आल्सो ट्राइंग माय बेस्ट ताकि वो लीगली सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल बैन हटा दें, बिकॉज हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने बहुत स्ट्रगल फेस करा है. अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो नवंबर दिसंबर में हम लोगों को बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे. बहुत से स्टूडेंट्स दुबई गए थे फॉर गिविंग देयर बायोमेट्रिक्स. तो ये हो गया हमारा स्ट्रगल बायोमेट्रिक्स का. सो जब बायोमेट्रिक्स हमारा ट्रैक पे आया उसके बाद हल्के हल्के VFS ने अपना काम स्लो कर दिया. ऑल दो फेबररी और मार्च मिड तक प्रोसेस ठीक हुआ बट स्टिल स्पीड उनकी बहुत हल्की थी और बहुत स्लोली फाइल्स प्रोसीड हो रही थी. और अगर हम अब बात करें जो स्टूडेंट जिन्होंने फाइल लगाई थी, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी फाइल लगाई थी और उनके मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने मेडिकल सर्विसेज भी पॉज कर दी हैं. सो मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि ट्वीट करके उन पर हम प्रेशर बना सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद दैम. सो उन पर प्रेशर बनाएं कि हमारे लिए वो बैन जल्द से जल्द हटाएं, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं. इट्स बीन ऑलमोस्ट वन ईयर दैट वी ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर सफरिंग. एंड अब केसेस भी अगर हम बात करें तो केसेस भी बहुत कम हो गए हैं. इंडिया में भी और कैनेडा में भी कंडीशन बहुत इंप्रूव हो गई है. सो इफ दे वॉन्ट दे कैन अपलिफ्ट द ट्रैवल बैन एटलीस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वी डिजर्व इट. सो ये तो था हमारा अपडेट कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर नॉन असेंशियल जो है उनके लिए बैन है अंटिल 21st of June. तो एज आई सेड कि असेंशियल्स में हम स्टूडेंट्स फॉल करते हैं तो हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे अगर हमें ट्रैवल करना ही है. तो ये मैं पूरी डिटेल में एक अगली वीडियो बनाऊंगी. सो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगी जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एज पर द स्टेटमेंट कि नॉन असेंशियल्स ही ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. तो हम असेंशियल कैटेगरी में हैं एज अ स्टूडेंट, तो हम अगर ट्रैवल करना चाहें तो कैसे करेंगे. सो आई विल अपलोड दैट वीडियो till the evening. So because उस वीडियो पर बात करना, उस टॉपिक पर बात करना डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर हम दुबई वाया दुबई ट्रैवल करें, अबू धाबी ट्रैवल करें तो हम हमारे लिए क्या 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 रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. तो मैं सब डिटेल में उसकी एक अलग वीडियो अब बनाऊंगी ताकि आप सबकी हेल्प हो सके और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके. सो फिर से मैं लास्ट में यही बोलूंगी, ट्विटर पर ट्वीट करिए सो दैट वी कैन मेक अ प्रेशर ऑन देम so that they can uplift the travel ban for all the international students. And yes, before ending this video, if you love watching my videos then please don't forget to like, share and subscribe. And apart from this, please take good care of yourself, because abhi bhi precaution lena bahut important hai. Aur apna dhyan rakhiye, ghar pe rahiye aur safe rahiye. So see you in the next video.